Hi everyone, welcome to Current Crunch. Start करते हैं आज का वीडियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा स्कीम्स का पार्ट ठीक है तो इसका जो पी है वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको अपलोड कर दिया था स्कीम्स का जिसने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया उसकी लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं वहाँ से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो भी आपका पीडीएफ है रिलेटेड टू योर एग्जाम में वहीं पे अपलोड करती हूँ तो इस जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दू इस चैनल पर मैं जेके सुपरवाइजर के कोर्स आपके लेके आ रही हूं जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन पार्ट जो है वो कम्प्लीट हो गया है ठीक है तो आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्पेशलाइजेशन की एंड करंटली हमारा उसमें जीके वाला पार्ट चल रहा है जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट कंप्लीट हो गया है फाइन तो ये जो सीरीज है ये हम पार्ट बेस में कवर करेंगे हर चार चार पांच पांच स्कीम्स पे मैं ट्वेंटी क्वेश्चंस लेके आऊंगी ठीक है उन ट्वेंटी क्वेश्चन वो मैंने ऐसे ये किए हैं फॉर्मुलेट किए हैं कि आपको जो स्कीम्स से उनके काफी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी पता चलेंगे फाइन एंड अगर आपने मेरी जो पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड की थी वो पढ़ ली है तो ये काइंड ऑफ टेस्ट भी आपके लिए रहेगा जिससे आप खुद को असेस कर पाएंगे तो आपको क्या करना है पेन एंड कॉपी लेके बैठना है जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा जो हो सकता है मेरी स्कीम्स के पीडीएफ पे भी नहीं हो तो आपको पॉइंट्स नोट डाउन करने एंड अगर आपने मेरी स्कीम्स के जो पीडीएफ है वहां से स्कीम्स नहीं पढ़ी हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल मिलेगा क्योंकि काफी रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट मटीरियल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है स्कीम्स के वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो उससे पहले अगर आप सुपर थैंक्स भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं डॉलर साइन मिल जाएगा हार्ट के अंदर या अगर आप वॉलेंटियरली कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको मेरा यूपीआई आई कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ या मेरी चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ठीक है तो ये मेरा ईमेल आईडी है इनके साथ मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्कीम बेस एमसीक्यू सीरीज पार्ट वन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से विच ऑ दॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च ऑन ट्वेंटी थर्ड करेक्ट ठीक है तो पहले आपको क्वेश्चन में ही एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कब ये लॉन्च हुआ था ट्वेंटी थर्ड इसको आप नोट डाउन करोगे एंड आपको बोलना है इन सारे पॉइंट्स में से कौन सा सही है पहला पॉइंट कहता है कि कवरेज प्रोवाइड करता है फाइव लाख पर पर्सन फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन अब देखो आपके हॉस्पिटलाइजेशन के तीन टाइप्स uh, हो सकते हैं uh, तीन लेवल्स होती हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी प्राइमरी लेवल होता है जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है डॉक्टर के साथ फॉर एग्जाम्पल आप किसी जनरल फिजिशियन के पास जाते हो जनरल फिजिशियन के पास फीवर कोल्ड वगैरह नॉर्मल चीजों के लिए सेकेंड पॉइंट होता है जिसमें आप किसी स्पेशलाइज डॉक्टर को ढूंढते हो किसी स्पेशलाइजेशन वाले को फॉर एग्जाम्पल आपको कार्डियो के पास जाना है या आपको ऑनकोलॉजिस्ट के पास जाना है ठीक है एंड थर्ड इज फाइनली कोई ट्रीटमेंट चल रही होती है एंड हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ती है किसी की सर्जरी होने वाली है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन uh, की सर्जरी फॉर एग्जाम्पल तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं उनको हम टर्सरी केयर बोलते हैं तो जो आयुष्मान भारत है इसके दो आपको कॉम्पोनेंट्स मिल जाएंगे एक आपका है आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ठीक है एंड एक है आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये हम आगे भी देखेंगे तो ये जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये आपके प्राइमरी टर्शरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों लेवल्स को लेके थोड़ी बात करता है एंड जो पी एम जे है वो आपका स्पेशली किसके लिए है सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए तो याद रखना तो ये स्टेटमेंट जो आपको सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर बोल रही है वो गलत नहीं है लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट भी नहीं है क्योंकि ये आपको बोलते हैं कि आयुष्मान भारत आपको कवरेज देता है फाइव लाख पर पर्सन तो ये चीज गलत है क्योंकि आयुष्मान भारत आपको कवरेज देता है फाइव लाख पर फैमिली दैट मीन्स एक फैमिली को फाइव लाख पर ईयर फैमिली में अगर दस मेंबर्स हैं ऐसा नहीं है फैमिली को पचास लाख मिलेंगे हर मेंबर को पांच लाख मिलेंगे नहीं पूरी फैमिली को क्या मिलता है फाइव लाख तो पहला वाला गलत है इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये भी गलत है इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भारत ही ये लॉन्च हुआ था इंश्योर करने के लिए आयुष्मान भाव इनिशिएटिव जो है ये क्या इनिशिएटिव है ये है आपका इनिशिएटिव ऑफ इंक्लूसिविटी ये देखता है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं हेल्थ केयर सर्विसेज वो सबको मिल रही हैं कि नहीं एवरी इन सोसाइटी ठीक है तो मतलब सारे मेंबर्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं कि नहीं तो उस हिसाब से आपका जो ये आयुष्मान बाबा इनिशिएटिव है ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है ठीक है एंड इसमें ये भी याद रख लेना ये है इन लाइन विद द प्रिंसिपल सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विकास इसीलिए मैंने कहा पेन और पेपर लेके बैठो क्योंकि क्या होता है वीडियो बनाते टाइम क्या होता है आप कोई एक पॉइंट देखते हो आपके पास डिस्कशन में और सारे पॉइंट्स निकल जाते हैं जो पीडीएफ रिटर्न फॉर्मेट में भी हो सकता है प्रेजेंट नहीं हो तो आई डोंट नो मैंने ये सारी चीजें वहां पर बोली होंगी इतनी डिटेल में इसीलिए जहां जहां पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको क्या करना है वो नोट डाउन करनी है ठीक है एंड अगर इफ ये प्लानिंग की वो पीडीएफ नहीं देखोगे आपको बोरिंग लगता है इतनी सारी स्कीम्स पढ़ना तो भी आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा इस वीडियो से भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो यहाँ पे आपका आयुष्मान बाबा इनिशिएटिव भी हो गया कवर ठीक है आप यहाँ पे ये भी गलत है ये गलत है क्योंकि फॉर फाइव लाख पर फैमिली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाला गलत है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द गोल ऑफ एलिवेटिंग विलेजेस टू द स्टेटस ऑफ आयुष्मान ग्राम फॉल्स अंडर आयुष्मान बाबा इनिशिएटिव हाँ ये करेक्ट है तो आयुष्मान ग्राम आपको स्टेटस मिलेगा किस आपके विलेज को ये और ये स्टेटस अगर आपने आयुष्मान भारत का काम जो है वो सही से वहां पे हो रहा है ठीक है तो आपके विलेज को क्या स्टेटस मिलेगा आयुष्मान ग्राम का और ये फॉल करता है अंडर आयुष्मान भाव इनिशियेटिव तो ये भी आपका करेक्ट है तो इसका ऑप्शन होगा कि सी एंड डी आर करेक्ट ऑल आर करेक्ट नहीं क्योंकि आपके पहले दो रॉन्ग है तो इसका ऑप्शन है सी एंड डी आर करेक्ट अगर आपने स्कीम्स पढ़ ली है तो हर क्वेश्चन के बाद पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व कर लेना फिर ये जो एक्सप्लेनेशन है वो सुनना विच ऑफ द फोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आभा कार्ड आर करेक्ट इट इज ऑप्शनल देखो आभा कार्ड बेसिकली होता क्या है ये आता है अंडर आपके आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड ही है ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर आता है आपको एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है एक हेल्थ कार्ड ठीक है हेल्थ कार्ड अब हमें देखना है जो आभा इनिशिएटिव है उसके कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे करेक्ट दिए हुए इट इज ऑप्शनल ठीक है हाँ ये करेक्ट है ऑप्शनल आपकी अपनी मर्जी है वो कार्ड को आपको रजिस्टर करना है कि नहीं आभा इज ए यूनिक हेल्थ आइडेंटीफायर दैट मीनस एक यूनिक नंबर होगा फोर्टीन डिजिट नंबर एंड मे बी इश्यूड डिजिटली और इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी ये भी करेक्ट है तो यहाँ पर ये याद रख लेना फोर्टीन डिजिट है कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जैसे आधार कार्ड आपका ट्वेल्व डिजिट नंबर है जैसे आभा कार्ड आपका फोर्टीन डिजिट है इट कम्स अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल इनिशिएटिव करेक्ट इट क्रिएट्स इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ एवरी सिटीजन ये भी करेक्ट है ठीक है तो यहाँ पे आएगा ऑल आर करेक्ट फाइन तो आभा कार्ड में बेसिकली होता क्या है आपको एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा जिसमें आपकी ऑथेंटिकेशन होगी मतलब कोई भी वो यूज नहीं कर सकेगा ठीक है आपकी ऑथेंटिकेशन होगी और आपका जो हेल्थ रिकॉर्ड है सारा उसमें कार्ड में रजिस्टर होगा इलेक्ट्रॉनिकली सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री तो है सारा आप वहां पे रजिस्टर करवा सकते हो तो ये आते हैं अंडर आपके आभा कार्ड एन एच ए दैट इज योर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लॉन्च आपके द्वार आयुष्मान थ्री पॉइंट जीरो तो आपके द्वार आयुष्मान क्या है बेसिकली ये लॉन्च हुआ ये लॉन्च किया गया था आपके आयुष्मान कार्ड क्रिएशन के लिए आयुष्मान का ये आपके आभा कार्ड से अलग है ठीक है आयुष्मान कार्ड क्रिएशन वो कैसे लॉन्च किया गया था थ्रू ऐप जिसको हम बोलते हैं आयुष्मान ऐप एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर आयुष्मान भाव इनिशिएटिव तो यहाँ पे लिखने का मतलब था थोड़ी बहुत आपको इसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसके अंडर आपका आयुष्मान कार्ड का क्रिएशन आता है एंड आयुष्मान ऐप से हम करते हैं फाइन तो इसको कब लॉन्च किया गया था इसको लॉन्च किया था सेवनटीन सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ठीक है आगे देखते हैं ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आयुष्मान आरोग्य मंदिर मैंने आपको क्या कहा था दो कॉम्पोनेंट्स में है आयुष्मान आपका जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड सेकेंड कॉम्पोनेंट वॉज ए आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये आपके आयुष्मान भारत के कॉम्पोनेट है ठीक है तो इसमें क्या आता है इट हैज लेड टू द अपग्रेडेशन ऑफ ओनली रूरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं क्योंकि मैंने आपको बोला था इसमें आपके रूरल इसमें आपके एक तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी आते हैं सेकेंडरी भी टर्सरी भी एंड सेकेंडली ये सिर्फ रूरल को टैकल नहीं करता है इसके अंडर आपके अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी कवर होते हैं ठीक है तो यहाँ से ये गलत हो गया यहाँ पे रूरल एंड अर्बन दोनों हैं ये कवर करता है आरसीएच आरसीएच इज द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कम्युनिकेबल एज़ वेल एज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ये भी ये करेक्ट है ये वाला इट एड्रेसेस हेल्थ एट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल ये भी करेक्ट है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है देवर एज आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये भी करेक्ट है ठीक है तो इसका आंसर होगा बी सी एंड डी आर करेक्ट ऑल आर करेक्ट नहीं क्योंकि पहला ही जो है इसमें ओनली रूरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स अब देखो क्या होता है एक ट्रिक में आपको मैंने पहले भी बताई है ये कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे अब आपको नहीं पता है रूरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो आपके लिए तो गेस ही करना है ना आपको और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो जहां पे ऐसे स्टेटमेंट्स लिखे होंगे ना ओनली दिस इज करेक्ट या किसी में लिखा होगा ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं तो ऐसा एक चांस है कि वो स्टेटमेंट गलत हो तो आप ये दिमाग में रखना ठीक है क्योंकि यहाँ पे ओनली रूरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर लिखा हुआ है तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में कि रूरल हेल्थ है या अर्बन हेल्थ सेंटर भी आएंगे तो ओनली से आप वो एक गेस कर सकते हो है ना ये थोड़ा एक्सपीरियंस बेस्ड है ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही हमेशा होगा लेकिन आप इससे भी एक क्यू जो है आंसर सॉल्व करने के लिए अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ले सकते हो फिर आ, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको पी जे बोलते हैं सेहत स्कीम जो है ये किसको लेके है इट प्रोवाइड सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हेल्थ सर्विसेज टू द दिटिजन ऑफ जे एंड के ये करेक्ट है ट्रू ये कवर करता है ओनली पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस नो ये कवर करता है आपके प्री जो पहले खर्चे होते हैं फिर जो आपके ट्रीटमेंट के बाद के खर्चे होते हैं दोनों कवर करता है देर इज नो फैमिली साइज और एज लिमिट ये भी ट्रू है डिलीवरी इज थ्रू Only public providers नहीं इसमें क्या होंगे आपके पब्लिक होंगे एंड कुछ आपके स्पेसिफिक प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होंगे वहां पर भी होगी स्पेसिफिक तो वो सेहत इसमें आता है ये आपके जे एंड के लिए है ये शायद मेरी स्कीम्स मेंशन नहीं होगा तो यहाँ पे नोट डाउन no कर लो गए इंपॉर्टेंट बनता है आप इसी यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करते हो ठीक है तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फाइव तो इसके क्या ऑप्शन है ऑप्शन है ही नहीं अच्छा ए बी एबीपीएम जे सेहत जो है इसमें ये वाला करेक्ट है ये गलत है देर इज नो ये भी करेक्ट है एंड आपका डिलीवरी ओनली थ्रू पब्लिक ये भी गलत है तो इसका आंसर बनता ए एंड सी आगे चलते हैं विच द तो फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन अब देखो नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन ही वर्ड मैंने क्यों लिखा क्योंकि दिस इज नथिंग बट योर पोषण अभियान तो आपके सिलेबस में पोषण अभियान लिखा हुआ है लेकिन हो सकता है आपको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन एन एन एम या लिखा हो की वर्ड तो वो सारी चीजें जो है वो सेम ही है ये जो अभियान है ये क्रिएट करता है अवेयर ये किस चीज के लिए है अवेयरनेस रिलेडिंग टू माल न्यूट्रिशन अमंग द प्रेगनेंट वुमेन एंड लेटेटिंग मदर्स या ये रिड्यूस करता है इंसिडेंस ऑफ अनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन एडोल्ट गर्ल्स एंड वुमेन ठीक है या ये प्रमोट करता है कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स कोर सीरियल्स एंड राइस या प्रमोट करता है कंजम्पशन ऑफ ऑफ पोल्ट्री एग्स ठीक है तो आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज जो है वो करेक्ट है तो क्या ये अवेयरनेस क्रिएट करता है रिलेटिंग टू माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेगनेंट वुमेन एंड लेटे मदर्स ट्रू ये ऐसा करता है ठीक है क्या ये रिड्यूस करता है इंसिडेंसेस ऑफ एनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन एडोल्ट एंड गर्ल्स एंड वुमेन हाँ ये ऐसा भी करता है सिर्फ अनेमिया ही नहीं ये और भी चीजें करता है स्टंटिंग दैट इज अगर आपका ये हाइट जो है एज के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ती है उसको स्टंटिंग बोलते हैं प्लस आपका अंडर न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन एंड अनिमिया ठीक है ये तीनों चीजें देखता है कंजम्पन ऑफ मिलेट्स ये गलत है प्रमोशन ऑफ कंजम्पशन पोल्ट्री एक्स ये गलत है तो इसमें हमारा आंसर होगा ए एंड टू ऑनली वन एंड टू ऑनली ठीक है आगे देखते हैं ये कब लॉन्च हुआ था इट वॉज लॉन्च ऑन एथ मार्च टू थाउजेंड एटीन ये भी याद रख लेना ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है किस आ, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है तो ये आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देखते हैं पोषण माह राष्ट्रीय पोषण माह इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विच मंथ एवरी ईयर तो पोषण माह बेसिकली क्या होगा जिसमें आपके ही एक्टिविटीज होंगे आप लोगों को थोड़ा अवेयर करोगे एजुकेट करोगे ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ठीक है एंटीनेटल आपके प्रेगनेंसी बिफोर प्रेगनेंसी के बारे में इन सब चीजों के बारे में माल न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन इन चीजों को एड्रेस करोगे तो उसके लिए एक मंथ जो है ये एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं वो कौन सा मंथ है दैट इज द मंथ ऑफ सेप्टेंबर अब देखो पोषण वाटिकाज पोषण वाटिकाज आर आंगनवाड़ी सेंटर्स या आपके क्रेश फॉर चिल्ड्रन टू टू तो सिक्स इयर्स ऑफ एज या ये न्यूट्री गार्डन्स होते हैं या ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं फॉर ट्रैकिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक है तो ये क्या है आपके न्यूट्री गार्डन है ना ये आंगनवाड़ी सेंटर है ना ये कोई क्रेश है ना ये कोई सॉफ्टवेयर है तो न्यूट्री गार्डन्स बेसिकली आपके होते क्या है देखो स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है ये स्मॉल पीस ऑफ लैंड वेयर पीपल ऑफ हाउस जो है वो ग्रो करेंगे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह ठीक है तो डिटेल आपको मेरे पीडीएफ से मिल जाएगी इसकी तो ये क्या करेगा ये इंश्योर करेगा कि न्यूट्रिशन सप्लाई मिल रही है किसकी ऑर्गेनिकली क्योंकि आप खुद से ग्रो कर रहे हो होम ग्रोन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ठीक है तो ये क्या कोई सॉफ्टवेयर है नहीं एक सॉफ्टवेयर है ऐसे रिलेटेड इसीलिए मैंने पे ऑप्शन लिखा हुआ है तो कौन सा सॉफ्टवेयर है वो मेरे स्कीम्स के पीडीएफ में मेंशन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ठीक है कमेंट करके बताओ सॉफ्टवेयर का नाम क्या है फिर पोशन ट्रैकर पोशन ट्रैकर क्या है क्या ये कोई गाइड है टू ट्रैक द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन या ये पॉइंट नंबर बी पे हम बाद में आएंगे या कोई सर्वे बेस्ड डॉक्यूमेंट है जो ट्रैक करता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम जीरो टू सिक्स इयर्स ऑफ एज या ये कोई सब स्कीम है नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन की ठीक है तो इसमें ना ये ए है ना ये सी है ना ये डी है इसका आंसर क्या है इसका आंसर बी है तो बेसिकली क्या है मोबाइल ऐप है पोषण अभियान के अंडर जो आपको एक रियल टाइम डेटा देगी विद एनालिटिक्स ठीक है इट इज क्रिटिकल एंड बेनिफिशरी सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन अंडर पोशन अभियान जो प्रमोट करती है रियल टाइम डेटा विद एनालिटिक्स है इसमें अब नीचे वाली आप तो, इसमें आपको थोड़ा और ही क्लियर हो जाएगाइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोशन ट्रैकर आर ट्रू के लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर येस ये प्रोवाइड करता है 360 डिग्री व्यू ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर्स आंगनबाड़ी सेंटर्स में कहीं से काम सही से हो रहा है कि नहीं ये भी ट्रू है एंड इसने डिजिटाइज किया द टास्क ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स ये भी ट्रू है क्योंकि मोबाइल ऐप है ये एप्लीकेशन है बेसिकली तो अगर ट्रैकर कहीं पे भी ये आ जाता है पोषण ट्रैकर एंड उसमें कोई भी ऑप्शन में ऐसे कीवर्ड्स लिखे होंगे कि इसने डिजिटाइज किया काम आंगनवाड़ी वर्कर्स का या इसने ऑटोमेशन लाई उनके काम में तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे क्योंकि ये किससे रिलेटेड है आपके आपके डिजिटल काम से ही रिलेटेड है और उसी पर्पज के लिए ऐप बनाई गई है तो इससे क्या होगा बेसिकली आपको पता चलेगा आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी स्टंटिंग की वेस्टिंग की अंडरवेट प्रिवेलेंस अमंग चिल्ड्रन की एंड लास्ट माइल ट्रैकिंग ऑफ न्यूट्रिशन सर्विस डिलीवरी ये सारे काम आप इस जो है ऐप से कर सकते हो फाइन तो इसका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट तो इस पोर्शन ट्रैकर क्या होता है वो आपको इस वाले ऑप्शन से इस वाले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑल आर करेक्ट अब जो आईसीडीएस है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम उसको अब हमने आंगनवाड़ी स्कीम नाम दिया हुआ है। आपके ऑप्शन सिलेबस में मेंशन में है आंगनवाड़ी स्कीम ठीक है इट वाज इन ये कब लॉन्च हुआ था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1991 में नहीं 1971 में नहीं 2018 में नहीं ये लॉन्च हुआ था 1975 में तो जो आंगनवाड़ी सर्विसेज हैं वो बेसिकली आपको पैकेज प्रोवाइड करती हैं कितनी सर्विसेज का उसमें कितनी सर्विसेज आती हैं थ्री फोर फाइव और सिक्स तो इसमें सिक्स सर्विसेज आती है ना थ्री ना फोर ना फाइव तो वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं वो आप लिख लो एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो हमें आगे देखना है जो हमारे सिलेबस में सेपरेटली भी मैंशन है एक आपका प्री स्कूल ये उनमें मैंशन है मेरे स्कीम्स के पी डी एफ में अगर आप वो नहीं देखोगे तो आप नोट्स अपने बनाओ इसीलिए यहाँ पे लिख रही हूँ नॉन फॉर्मल एजुकेशन third one is your nutrition and health education fourth one is your immunization fifth one is your health checkup sixth is your referral services तो क्या हो सकता है या तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए इन में से आपको बोलना होगा कि कौन सा इस इसके पैकेज में आता है या ऐसे पूछ सकते हैं कि कितनी सर्विसेज उसमें होती हैं पैकेज में तो सिक्स होती हैं जिसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है आपके सिलेबस में अलग भी है तो उसके क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे जो बेनिफिशरीज है आंगनबाड़ी सर्विसेज के वो कौन से है एडोल्ट एंड गर्ल्स चिल्ड्रन ऑफ जीरो टू सिक्स एडोट्स एंड गर्ल्स या प्रेगनेंट एंड लेक्टेटिंग मदर्स या चिल्ड्रन जीरो टू सिक्स इयर्स प्रेगनेंट एंड लेटेटिंग मदर्स तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ठीक है तो इसके बेनिफिशरीज कौन कौन से हैं चिल्ड्रन जीरो टू सिक्स ईयर्स ऑफ एज प्रेग्नेंट एंड लेक्टेटिंग मदर्स फिर आपका विकसित भारत संकल्प यात्रा इट हैज बीन लॉन्च ऑन ये कब हमने लॉन्च करी थी ठीक है तो होता क्या है यात्रा बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन है रिगार्डिंग स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट लेके आता है उसका एक अवेयरनेस कैंपेन है रिगार्डिंग स्कीम्स इसमें काफी मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट वगैरह पार्टिसिपेट करती हैं फाइन तो हमें क्वेश्चन में बोले हैं कब लॉन्च हुआ था यह लॉन्च हुआ था आपका फिफ्टीन नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ऑप्शन नंबर बी ठीक है आगे चलते हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो एक किसका पार्ट आता है आपके आंगनबाड़ी सर्विस का इट हैज प्राइमरी डिजाइन टू क्या इसका मेन मकसद था एनकरेज करना इनटेक ऑफ कैलोरीज अमंग माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रेन या सप्लीमेंट करना मिड डे मील स्कीम को या ब्रिज करना गैप बिटवीन रिकमेंडेड डायट्री अलाउेंस एंड आपका एवरेज डेली इनटेक ये आर डी ए वगैरह हमने पढ़ा है हमने यूनिट फाइव में मैंने आपको पढ़ाया है ये स्पेशलाइजेशन में सप्लीमेंट करना राशन प्रोवाइडर अंडर योर पीडीएस डी दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो इसका आंसर क्या होगा एस एन पी का जो मेन ये है एम वो डिजाइन किया जाता है ब्रिज करने के लिए गैप बिटवीन आपका आर डी ए की रिकमेंडेड कितनी है आपकी डाइटरी अलाउंस कितनी कैलोरीज जो है आपको लेने चाहिए एंड आपका जो एवरेज डेली इनटेक है आप कितना ले रहे हो ठीक है उसमें कितनी गैप है उसको कम करने की कोशिश वो कैसे होगी आपको कुछ सप्लीमेंट कैलरीज आपको सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाएगा राशन ठीक है ताकि आपकी जो कैलरीज है जो पूरी नहीं ले रहे हो जितनी रिकमेंडेड है वो फुलफिल हो जाए प्रोग्राम जो न्यूट्रिशन है गिवन हम देते हैं ओल्ड एंड डिसेबल्ड को माइग्रेंट वर्कर्स को या इन सबको या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को तो अंडर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो सप्लीमेंट न्यूट्रिशन है वो किन के लिए टारगेट किया जाता है आपके चिल्ड्रन जीरो टू सिक्स प्रेगनेंट एंड लिटेटिंग मदर्स अब ये देखो इनके जो ये टर्म ये थे आ, कि कितनी कैलोरीज कितना कॉस्ट वगैरह इन पे खर्च होगा ये रिसेंटली रिवाइज हुआ है तभी ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है तो आपको बताना है तो जो चिल्ड्रन है सिक्स टू सेवेंटी टू मंथस ऑफ एज उनको कितना सप्लीमेंट दिया जाएगा न्यूट्रिशन का एक्स्ट्रा फाइव हंड्रेड कैलोरीज और कितना इन पे कॉस्ट जो है वो खर्च होगा रुपीज फोर पर पर्सन पर पर बेनिफिशरी पर डे एंड इतनी कैलोरीज पर बेनिफिशरी पर डे ठीक है सीवियरली माल जो माल नरेश चिल्ड्रन है उनपे कितना खर्च किया जाएगा एट हंड्रेड कैलोरीज एंड सिक्स रुपीज पर डे पर बेनिफिशरी और जो प्रेग्नेंट वुमेन है एंड नर्सिंग मादर्स है उनपे कितना खर्च किया जाएगा सिक्स हंड्रेड कैलरीज एंड कॉस्ट फाइव रुपीज पर डे पर बेनिफिशरी तो इसके तीनों करेक्ट हैं तो मुझे ऑप्शन यहाँ इंक्लूड करने भूल गए हैं तो इसका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट ठीक है तो ये इसीलिए मैंने इंक्लूड किया क्योंकि है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ व्यूमे एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है विदियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है पोषण वाटिकाज इन नियरली हाउ मेनी आंगनबाड़ी सेंटर्स इसका आंसर है फोर पॉइंट थ्री सेवन लैख ठीक है तो इसमें मैंने ट्वेंटी क्वेश्चन यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं ट्वेंटी ही इंक्लूड किए हैं क्योंकि ये वीडियो उनको भी टारगेट कर रहा है जिन्होंने स्कीम्स नहीं पढ़ी हैं तो एक साथ आप कितनी सारी स्कीम जो है याद करोगे तो हम क्या करेंगे ऐसे दो दो चार चार पांच स्कीम्स के हम इतने क्वेश्चन बनाएंगे ताकि जो आपकी सारी स्कीम्स हैं वो टोटल क्वेश्चन हमारे फाइव हंड्रेड बी आई गेस क्रॉस कर जाएंगे ठीक है तो फिर उससे आपका ओवरऑल जो कंटेंट है स्कीम्स को लेके वो काफी एफिशिएंट और काफी अच्छा खासा होगा तो यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं इसका पार्ट टू में जल्दी लेके आऊंगी अभी हम हमारी हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स जो है वही सारी डिस्कस कर रहे हैं फाइन अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे उसके बाद बाकी वाली स्कीम्स तो टिल द टाइम मैं अपलोड न्यू वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे